नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम, पुलिस ने मार गिराया ड्रोन, 5 किलो आईईडी बरामद। जम्मू कश्मीर के कनाचक इलाके में पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार इस ड्रोन के गिरने पर 5 किलो आईईडी भी बरामद किया गया है। ड्रोन को भारतीय सीमा के 6 किलोमीटर अंदर मारा गया है। पाकिस्तान से लगी सीमा पर कई दिनों से लगातार ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आ रही थी। सुरक्षा एजेंसियों ने अंदेशा जताया है कि ड्रोन साजिश के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। राज्य के DGP दिलबाग सिंह ने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा की रणनीति दोबारा बनाने और आतंकियों के ड्रोन इस्तेमाल करने को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। इससे पूर्व 27 जून को आतंकियों ने वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया था। बारामूला के सोपोर में लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर फयाज वार मारा गया है, जो कई हमलों में शामिल था। इससे पहले उसने उत्तर कश्मीर में आतंकी घटना को अंजाम दिया था। जम्मू कश्मीर के IG विजय कुमार ने बताया कि फयाज अहमद वार पर 10 लाख रुपए का इनाम था। एनकाउंटर में मारे गए दूसरे आतंकी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने सोपोर में कल रात आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा, TMC सांसद शांतनु सेन पूरे सत्र के लिए निलंबित। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन भी दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं TMC सांसद शांतनु सेन को IT मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने के आरोप में पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। शांतनु सेन पर आरोप है कि कथित जासूसी मामले पर उन्होंने केंद्रीय IT मंत्री को बोलने से रोक दिया। वहीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर हम लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। टीकाकरण को लेकर जो भ्रम फैला रहे हैं उन्हें भी समझाने की जरूरत है। उनके बयान पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रियंका गांधी के एक कॉल से नरम पड़े CM अमरिंदर सिंह, सिद्धू की ताजपोशी पर जाने को हुए राजी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजी हो गए। अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज है, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन पर अमरिंदर सिंह से बात की और कहा, आपको नवजोत सिंह सिद्धू के पदभार ग्रहण समारोह में जाना चाहिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और आपके न जाने से गलत संदेश जाएगा। वहीं चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में नवजोत सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर छुए। इससे राहुल गांधी भी गदगद नजर आए। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने ट्वीट कर कहा था कि जब तक सिद्धू माफी नहीं मांगते हैं तब तक मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार पहुंचे तिब्बत, अरुणाचल सीमा तक जाकर ब्रह्मपुत्र का किया निरीक्षण। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अचानक तिब्बत का दौरा किया। वर्ष 2011 में सत्ता संभालने के बाद शी जिनपिंग पहली बार तिब्बत पहुंचे। चीन की सरकारी संवाद एजेंसी शिनहुआ के अनुसार शी जिनपिंग ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से सटे चीन के नियांची शहर का दौरा भी किया, जो तिब्बत का हिस्सा है। इसके अलावा शी जिनपिंग ब्रह्मपुत्र नदी को भी देखने गए, जिस पर चीन दुनिया का सबसे विशाल बांध बना रहा है और भारत इसका विरोध कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति ने ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी का भी निरीक्षण किया। चीन ने हाल ही में पहली बार पूरी तरह विद्युत चालित बुलेट ट्रेन का तिब्बत की राजधानी ल्हासा और नियांची के बीच परिचालन शुरू किया है।
दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ का आगाज महिला तीरंदाजी के रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रही दीपिका कुमारी। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत आज से हो गई है। भारत की तरफ से पहला मुकाबला महिला तीरंदाजी का हुआ, जिसमें दीपिका कुमारी रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रहीं। यूमे नोशिमा पार्क में हुए मुकाबले में दुनिया की नंबर एक तीरंदाज दीपिका कुमारी ने 663 स्कोर किया, जिसमें उन्होंने 30 बार परफेक्ट 10 स्कोर किया। रैंकिंग राउंड में पहले तीन स्थानों पर कोरियाई तीरंदाजों का दबदबा रहा। कोरिया की अनसान 680 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहीं, जो ओलंपिक रिकॉर्ड भी है। वहीं जोंग मिन ही 677 अंकों के साथ दूसरे और कॉन्ग चियांग 675 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रहीं। अंतिम 32 एलिमिनेशन दौर के मुकाबले 27 जुलाई को खेले जाएंगे। जोमैटो ने एक ही झटके में टाटा मोटर्स और IOC जैसे दिग्गज को पीछे छोड़ा। ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म जोमैटो ने इतिहास रच दिया है। स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली जोमैटो देश की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। लिस्टिंग के कुछ ही मिनटों में जोमैटो का शेयर 138 रुपए पर पहुंच गया। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। इस तरह कंपनी ने पहले ही दिन टाटा मोटर्स और IOC जैसी दिग्गज कंपनियों को पछाड़ दिया है। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप 98,181 करोड़ रुपए, IOC का मार्केट कैप 99,743 करोड़ रुपए और BPCL का मार्केट कैप 99,796 करोड़ रुपए है। इस तरह जोमैटो शेयर मार्केट में पहले ही दिन इन दिग्गज कंपनियों से आगे निकल गया। जोमैटो का मार्केट कैप अडानी टोटल गैस और महिंद्रा एंड महिंद्रा से भी अधिक हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।